तो ठीक है, शादी से पहले अपने शोहर को बता देना कि तुम अपनी आधी सैलरी अपने वालदेन को दोगी। ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? तो ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं अपनी पूरी सैलरी अपने वालदेन को दे दूं। क्या सोच रहे हो? अपनी सैलरी का हिसाब लगा रहे, मुश्किल पड़ेगा। अच्छा चलो ठीक है, आधी आधी। मतलब? मतलब कि हाँ, इसका मतलब है जब मोहब्बत को मोहब्बत हो जाए तो कोई ना कोई हल निकल भी आ जाए। कायदे आजम मोहम्मद अली जिना दो को। अरे सुनते हैं, सुन ले इसकी बात भी, यही सुनने को रह गया था मेरे लिए। हाय अल्लाह, यही सुनने के लिए तो मैं जिंदा थी। या अल्लाह या अल्लाह, ये सब कुछ सुनने से पहले मर क्यों नहीं गई मैं? ए चल उठ, पानी पिला मुझे, और सुन थोड़ा सा जहर मिला के लाना उसमें। एक चम्मच या दो चम्मच, एक से तो काम नहीं चलेगा। दूधी तारुने में दफा, सुन ली इसकी बात, अभी से माँ को जहर देने लगी है। या अल्लाह, बस तू ही है मेरा, कोई नहीं है इस दुनिया में मेरा। बच्चों को क्या पता इन बातों का, अश्विन की अम्मा। खबरदार, मुझे अश्विन की माँ मत कहना। मर गई अश्विन अपनी माँ के लिए और माँ अश्विन के लिए। ऐसा क्या कह दिया उसने? अच्छा, अभी कुछ कहा ही नहीं है। अरे अगर कुछ कहा नहीं तो इतनी आग बगोला क्यों हो रही हो? अब गुस्सा भी ना करूं, आपको सब कुछ पता है, लेकिन लाडली है ना आपकी ये। मुझसे ज्यादा तुम उससे प्यार करती हो। कोई प्यार व्यार नहीं है, खत्म हो गया सब कुछ। अम्मा पानी, इसने भी ना बड़े होकर यही सब कुछ करना है। चल दफा हो यहाँ से। वो आराम से पानी पियो, फिर बताओ कि क्या हुआ है। आपकी साहबजादी फरमा रही है कि इस महीने से आधी तनख्वाह देंगी ये। हाँ तो इसमें बुराई क्या है? भाई अपनी कमाई में से अपने लिए कुछ बचाना चाहती है, ये हक है उसका। बचाना चाहती, हमने तो कभी कुछ ना बचाया, सब कुछ लुटा दिया आपकी इस औलाद पे। अरे हम माँ बाप हैं, और माँ बाप जब अपने तीसरे रिश्ते यानी औलाद के साथ जुड़ते हैं ना, तो ना उनकी कोई ख्वाहिश रहती है ना कोई खुशी। सारी ख्वाहिशें सारी खुशियां अपनी औलाद के लिए होती हैं। इसीलिए तो कहते हैं कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। इसी जन्नत को दोजख में धकेल रही है आपकी बेटी। आपकी साहबजादी के फरमाने के ये शादी कर रही है, वो भी अपनी मर्जी के लड़के के साथ। साथ वाले ऑफिस में जॉब करता है। अब्बा बहुत खुददार इंसान है वो। अब्बा बुरा नहीं है,
उसकी फैमिली फैमिली अब्बा फैमिली उनकी बिल्कुल हमारे जैसी है, साथी सी, माँ बाप और एक छोटी बहन। इसका मतलब है कि वो अकेला ही कमाने वाला है। तुम बता रही थी कि वो बहुत खुददार है, जब वो तुम्हारी आधी सैलरी लेगा तो उसकी खुददारी। नहीं नहीं अब्बा, उसने ऐसा नहीं कहा, ये तो बस मैं अपने लिए और हमारे फ्यूचर के लिए सेव करना चाह रही थी। वो भी सेविंग करेगा? पूछा नहीं। दिलवाओगी नहीं? बाप होने के नाते इतना हक तो बनता है ना। पापी का तो हक बनता है। सुबह से बात करूंगी। उसे कहना कि अपने माँ बाप को भी साथ लाए। बाप एकदम से सब साथ आ गए तो फिक्र नहीं करो, जो इनका नसीब होगा उन्हें मिल जाएगा। जीते रहो, अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। जाओ जाके सो जाओ। थैंक यू। देखिए फना पीर और मंगल रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।